हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक ZTV के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासू के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने
27 लाख 90 हजार डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर
के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक,
और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने स्वयं समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक ZTV के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के
उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है।
फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल हैं, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड
देखे। मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव
के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टी वी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन,
मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाद के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इस
हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से
अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने स्वयं समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की
कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंदा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस
मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंदा कनासू के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि
शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासू के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष
स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी,
कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को
भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को
17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था।
जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मोनहट्टन के
आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के
यथार्थवाद के साथ यह अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000
हजार डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टी वी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित
8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने स्वयं समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी,
संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने स्वयं समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है।
जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक जेटीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर
फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जे टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के दो एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासु के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है।
इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग था है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते इस फिल्म के होम मीडिया की, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासू के से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्ला के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेक टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो
स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्वदेश 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारीकर द्वारा सहलिखित निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोर बल्लाल है जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक जी टीवी के यू लव स्टोरीज पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था जिसमें गोवारीकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिंगुरिंडा कनासू के से प्रेरित बताई गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुट्टी, संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बल्लाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंडट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया था। 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की
फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो मोहन भार्गव के रूप में शाहरुख खान, गीता गीतली के रूप में गायत्री जोशी, कावेरी अम्मा के रूप में किशोरी बल्लाल, निवारण दयाल श्रीवास्तव के रूप में राजेश विवेक, दादाजी के रूप में लेख टंडन, मेला राम के रूप में दया शंकर पांडे। बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो स्वदेश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 15.25 करोड़ की कमाई की। विदेशी बाजार में फिल्म ने 27,90,000 डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 34.26 करोड़ थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो फिल्म को आलोचनात्मक सब प्रशंसा मिली और यह एक क्लासिक बन गई और मोहन भार्गव के रूप में खान का प्रदर्शन अब तक के उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स मूवीज के सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा, स्वदेश जमीनी स्तर के यथार्थवाद के साथ एक अनूठा प्रयोग है। यह अपने प्रचार संदेश में राजनीतिक रूप से इतना सही है कि शुरू में आपको आश्चर्य होता है कि क्या भारत सरकार ने निर्देशन के सपने को वित्त पोषित किया है। मिड डे के मयंक शेखर ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, मैं लंबे समय तक इसके बेहतर फिल्म से बारे में नहीं सोच सकता जो भारत के गांवों में भ्रमणशील सिनेमाघरों और मुंबई या मैनहट्टन के आलीशान मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए मजबूत सिफारिश की हकदार हो। बात करते हैं इस फिल्म के होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।